गुड इवनिंग दोस्तों, एक और नए ब्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी का वक्त है 6:20 और मैं गांव पहुंच चुका हूं भाई। और मौसम बिल्कुल भी साफ नहीं है और बहुत तेज बारिश, ठीक है। इस वजह से आज करंट भी नहीं है और यहां पर लोगों का आना जाना भी मतलब कि ना ही समझो, ठीक है। पूरी तरह से अंधेरा हो चुका है क्योंकि भाई क्लाउडी जब होता है ना, पाँच बजे आपको अंधेरा मिल जाएगा, जबकि 8 बजे जैसा लगेगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। और मैं निकला आगे थोड़ा सा घूमने के लिए, 1 किलोमीटर जाऊंगा, ठीक है। चलो थोड़ा सा घूमते हैं भाई, अंधेरा थोड़ी देर में पूरी तरह से अंधेरा होने वाला है, ठीक है। ये तो क्लाउडी का अंधेरा है लेकिन पूरा अंधेरा हो जाएगा थोड़ी देर में। चलो तो दोस्तों लगभग 12 बज गया है, ठीक है। और भाई अभी इलेक्ट्रिक आया है, ठीक है। थोड़ा सा लाइट देख सकते हो आसपास, और यहाँ पर मैं सोया हूँ क्योंकि ये कवर खोला हूँ। इसमें से ये फ्लैश लाइट ऑन करके ही मैं मतलब ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब उसका कैप्चर ना थोड़ा सा कम हो जाता है, इस वजह से यार यहाँ पर सोने की तैयारी कर रहा था भाई। लाइट आ गया, देखता हूँ सोता हूँ या नहीं बाहर में, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हुआ है, ठीक है। ये मतलब फ्लैश में तो मालूम नहीं चल रहा है क्योंकि अंधेरा बहुत ज़्यादा है यार, बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है भाई, ठीक है। अरे अरे अरे, आपको दिखाई दे रहा हमारे क्यूट क्यूट पॉपी, ये तो उसकी मम्मी है। और ये देख सकते हो बच्चा, हाय, क्या हाल चाल है भाई। ये दोनों ना मतलब कि वहाँ पर छुपे थे, मैं जब से आया अभी अभी इन दोनों को देख रहा हूँ कि यहाँ पर है, ठीक है। क्या हाल चाल बबुआ, ठीक बा, खाना हो गया, कहाँ घूम रहे हो। ये बारिश देख सकते हो भाई, ये गीला पूरी तरह से गीला है, जैसे कि ये नदी में रहता है ना रेत, उसी तरह गीला है। उसमें से ये सोए हुए हैं सब, और ये बच्चे लोग, ठीक है। ये दो तो यहाँ पर है और दो अंदर है। भैया इस दिन में बिल्कुल भी ब्लॉग नहीं बना पाया यार, इसलिए थोड़ा सा ब्लॉग बना रहा हूँ, ठीक है। और भाई रात का 12 बजे यार, मतलब गाड़ी आना जाना ये तो कोई मतलब नए बात तो नहीं है, लेकिन बहुत कम होता है भाई, ठीक है। हाय, घूमने चलोगे। ये ठंड के मारे देखो एक साथ सोए हुए दोनों। दोस्तों आज अमावस्या है क्या, बहुत ज्यादा अंधेरा है भाई, बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक है। इतना अंधेरा तो उससे भी ऊपर क्लाउडी है थोड़ा सा इस वजह से भी, ठीक है। और जब मैं आता हूँ ना तो ये पेड़ कटा हुआ पेड़ तो था ना यहाँ पर, जो मैं रील वगैरह शूट भी किया हूँ, ठीक है, इसका कटिंग किया गया है भाई, ठीक है। ये रात को 12 बजे दिखाना जरूरी था क्या। अगर यहाँ पर भूत बैठा होगा तो क्या हालत, ऐसे तो भूत नहीं होता भाई। भूत होता है यार, पहले ज़माने में था, 8-10 साल पहले, अभी नहीं है, ठीक है। अगर दिख जाए, उस दिन तो मैं इतना डरा कि पूछिए मत, बहुत ज़्यादा डर गया था भाई, वहाँ पर गया था ना मतलब, ठीक है, बहुत ज़्यादा डर गया था। इस वजह से मैं अब बाहर तो बिल्कुल भी नहीं जाऊँगा, आसपास ही बनाऊँगा जो भी, अगर रात में ब्लॉग बनाता हूँ तो। चलो मच्छर तो बहुत ज़्यादा काट रहा है, इस वजह से मैं सोच रहा हूँ ऊपर से लाइट भी आ चुका है तो अंदर ही सोते हैं भाई, घर के अंदर अच्छा रहेगा, मच्छर काटने से ही बच जाऊँगा, ठीक है। ओए चलो चलते हैं भाई। और खास करना जब भी बारिश होता है, ठीक है, तो भाई सांप निकलना मतलब कि यहाँ पर पहले गन्ने का खेती होता था, ठीक है, इस वजह से वो ब्लैक वाला, उसको मतलब क्या बोलते हैं हिंदी में पता नहीं यार, इंग्लिश नाम भी पता नहीं, मैं उस दिन वीडियो देख रहा था और ब्लैक रहता है उसके साथ साथ एक व्हाइट व्हाइट,
प्लास्टिक का एक लाइनिंग रहता है वो बहुत ज़्यादा डेंजर स्नैक होता है, ठीक है, वो हमारे एरिया में बहुत निकलता है। इस वजह से भाई बारिश जब होता है ना तो घर के अंदर ही सोना चाहिए, अगर घर के बाहर सो जाओ ना तो खटिया के ऊपर चढ़कर भी काट लेता है भाई सच में। ये थोड़ा सा मैं इसको खड़ा कर देता हूँ, ठीक है, चलो अभी चलते हैं घर को सोने के लिए। तो भाई आज के लिए इतना ही, ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थोड़ा सा प्यार दिखाई है, ठीक है, और अपने दोस्त यारी के साथ शेयर कीजिए मेरा ब्लॉग थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, आप नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। ब्लॉग देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, वंदे मातरम।